Hi everyone, I am back with my another video for you all. This is the 9th chapter of class 4th and the chapter name is Happy Independence Day. Independence. Independence means Svatantrata. Day matlab din. Din or divas. Happy ka yahan matlab hum khush se nahi, badhai se lenge. To iska pura proper title ka meaning hua Svatantrata Divas ki badhai. To let's warm up a little. चिल्ड्रन, बच्चों, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस इवेंट? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना. ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आप क्या इस इवेंट को पहचानते हो? वेयर इज़ इट टेकिंग प्लेस? कहाँ ये ली जा रही है पिक्चर? तो आपको ये बताना है इसको देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन बिटवीन शिखा, आरती एंड परमजीत. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम शिखा. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आरती. शिखा ने आरती को कहा कि स्वतंत्रता दिवस की बधाई आरती आपको. आरती, आरती ने रिप्लाई किया थैंक यू, धन्यवाद, एंड सेम टू यू, और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई. शिखा, शिखा को उसने कहा आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई. अब शिखा कहती है आरती, हैव यू सीन ओवर टीचर्स? क्या आपने हमारे टीचर्स को देखा? सीन का मतलब देखा, टीचर्स मतलब अध्यापकों को. क्या आपने हमारे अध्यापकों को देखा? दे हैव ऑल वॉन द ट्री कलर सारीज. देखिए, पहले ट्री कलर का मतलब होता है तिरंगा, यहाँ तीन रंग. तो यहाँ जो बोला गया है ट्री कलर, यहाँ तिरंगे को इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने ना तिरंगे वाले जो कलर्स होते हैं तीन, वैसी सारीज पहनी है. अब परमजीत की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है. हाय शिखा, हाय आरती, हाउ आर यू? परमजीत ने बोला शिखा को हाय, फिर आरती को कहा हाय एंड हाउ आर यू, कैसे हो तुम? आरती का रिप्लाई आया आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई. परमजीत, थैंक यू, धन्यवाद, एंड सेम टू यू, और आपको भी. हैव यू सीन विकास एंड पल्लव? क्या आपने विकास और पल्लव को कहीं देखा? शिखा, आई थिंक शायद दे आर इन द ग्रीन रूम. पहले मैं समझा दूँ बच्चे कि ग्रीन रूम होता क्या है. ग्रीन रूम वो होता है जब हम कुछ परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं, चाहे वो डांस कंपटीशन हो या सिंगिंग कंपटीशन हो. तो एक जो रूम में आप रेडी होते हो उसको बोलते हैं ग्रीन रूम. तो उसने रिप्लाई किया शिखा ने कि शायद वो ग्रीन रूम में है. आरती, यस दे आर परफॉर्मिंग अ फोक डांस टुडे. फोक डांस होता है लोक नृत्य, कि वो ना परफॉर्म कर रहे हैं लोक डांस. लोक डांस मतलब जो हम फोक डांस को, आपको पता ही है हमारा ट्रेडिशन है, तो उस डांस के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं. अब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है जग्गू, किरण, विक्रम, जो आपको भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. स्टार्ट फ्रॉम द जग्गू. हाय किरण, व्हाट आर यू डूइंग? हाय किरण, आप क्या कर रहे हो? किरण ने रिप्लाई किया आई एम कलेक्टिंग रोज पेटल्स. रोज़ मतलब गुलाब, पेटल्स मतलब उनकी जो पंखुड़ियाँ होती है ना, वो कलेक्ट कर रही हूँ मैं. कलेक्ट मतलब इकट्ठी. मैं जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको इकट्ठा कर रही हूँ. वी विल फिल देम इन द नेशनल फ्लैग. हम उसे किस में फिल करेंगे, किस में भरेंगे? नेशनल फ्लैग में. आपको पता होगा जब जो फ्लैग होता है हमारा, राष्ट्रीय फ्लैग होता है, राष्ट्रीय झंडा होता है, जब उसे लहराते हैं उसके अंदर हम फ्लावर्स डालते हैं. तो उसने भी यही सोचा. व्हेन द हेड टीचर अनफर्ल्स द फ्लैग, जब हेड टीचर जो है हमारे, हेड मास्टर कह सकते हो आप, वो उसे फैलाएंगे, उसे लहराएंगे, इट विल शावर द पेटल्स. जैसे ही उसे फहराएंगे तो उसमें से क्या शावर, मतलब शावरिंग होगा, बौछार किस चीज़ की हो गई? पेटल्स की, जो हमने डाले गुलाब के पंखुड़ियाँ. एंड व्हाट आर यू डूइंग, और आप क्या कर रही हो? अब जग्गू ने बोला आई एम मेकिंग ट्री कलर्ड रिबन्स. मैं क्या बना रहा हूँ? ट्री कलर रिबन्स, तीन रंगों का क्या बना रहा हूँ? रिबन बना रहा हूँ. वी विल डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाएंगे, द रोड मतलब सड़क, हम सड़क को सजाएंगे. फ्रॉम द मेन गेट टू द नेशनल फ्लैग विद दीज, मतलब हम मेन गेट से नेशनल फ्लैग तक हम उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे ट्री कलर्ड रिबन से. क्लियर? आगे है किरण, ओ इट विल लुक वंडरफुल. वंडरफुल अद्भुत भी होता है, यहाँ आप शानदार भी कह सकते हो, कि कहते हैं कि बहुत अद्भुत लगेगा या बहुत शानदार लगेगा. अब विक्रम की टर्न आती है. सी, देखो आई हैव मेड दीज फ्लैग्स.
मैंने ये फ्लैग्स बनाए हैं, हाउ डू दे लुक, कैसे दिखाई देते हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड प्लेंटी ऑफ देम, मैंने इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं. मतलब इसके कहने का मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत सी चीज़ें बनाई हैं. अब किरण कहती है दे आर रियली नाइस, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर भी आप कह सकते हो. व्हाट विल यू डू विद देम, आप इनके साथ क्या करोगे. अब विक्रम ने रिप्लाई किया I will give them to the students of nursery wing. जो nursery wing के जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, मैं उनको जो है ये सब दे दूँगा. They will line up both sides of the lane. वो जो लेन है, जो जहाँ वो खड़े होंगे lines में, वो वहाँ उनको लेकर खड़े हो जाएंगे. And they will wave the flags. वो wave करेंगे, wave मतलब लहराएंगे उन flags को. When the head teacher will walk towards the national flag. When मतलब जब हेड टीचर, जो आपके जो हेड अध्यापक हैं आप उसको कह सकते हो, विल वॉक, जब वो वॉक करेंगे टूवर्ड्स द नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है उसकी ओर. टूवर्ड्स मतलब की ओर, जब वो जा रहे होंगे उसकी तरफ, तो बच्चे उन दोनों लेन में लेफ्ट एंड साइड खड़े होकर वहाँ जो है वेविंग करेंगे उन फ्लैग्स की. स्वाति की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है. रानी रानी से बात करती है, वॉट आर यू डूइंग, रानी आप क्या कर रही हो. रानी आई एम मेकिंग कलर आर्ट, मैं जो है कलरिंग, कलर आर्ट होती है जब वो चित्रकारी वो कर रही हूँ. दिस इज़ कॉल्ड रंगोली, जिसको बोला गया है रंगोली, वो कलर आर्ट ही हुई बेसिकली, क्योंकि आप बहुत सारे कलर्स यूज़ करोगे रंगोली में. अब स्वाति ने रिप्लाई किया दिस इज़ ब्यूटिफुल, ये बहुत ही सुंदर है. हु टॉट यू दिस आर्ट, आपको ये कला सिखाई किसने. आर्ट मतलब कला. रानी माई मदर, मेरी मम्मी ने. वी मेक रंगोली एट ओवर हाउस ऑन एवरी ओकेजन लाइक दिवाली, रक्षाबंधन एंड गणेश चतुर्थी. अब रानी ने रिप्लाई किया कि मैंने ये चीज़ किससे सीखी, अपनी मम्मी से. हम लोग अपने घर पर जो है रंगोली बनाते हैं हर ओकेजन पर. ओकेजन का मतलब है अवसर या त्यौहार भी आप कह सकते हो, लाइक दिवाली पे मैंने हम बनाते हैं, रक्षाबंधन पर, गणेश चतुर्थी पर. अब स्वाति ने रिप्लाई किया कैन आई टेल इट विद यू, सॉरी कैन आई ट्राई इट विद यू, क्या मैं आपके साथ ट्राई कर सकती हूँ. रानी श्योर यू विल लाइक इट, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी. टीचर स्टूडेंट्स हैव यू डन ऑल द प्रिपरेशंस, क्या आप सबने सभी तैयारी कर ली है. प्रिपरेशन मतलब तैयारी. द हेड टीचर इज़ रेडी टू बिगिन, जो हेड टीचर है वो स्टार्ट करने ही जा रहे हैं. अब लास्ट में जेड की एक कॉन्वर्जेशन, येस मैम वी ऑल आर रेडी, हम बिल्कुल तैयार हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से रीड करिए दोबारा से, सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस एज वेल. इफ़ यू फाइंड एनी यू नो क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, लाइक यू कैन कॉमेंट मी ऑन दिस कॉमेंट सेक्शन डाउन स्टेयर्स.